पीएम मोदी आज राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरेंगे। भरतपुर और नागौर में दो रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की सुबह 12:15 बजे भरतपुर में होगी रैली, उसके बाद नागौर जाएंगे। नागौर में जनसभा से पहले वीर तेजा जी से दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सीएम गहलोत के गढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। जोधपुर में विजय संकल्प बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा बिलाड़ा में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। ओसिया और जैसलमेर में करेंगे रैली। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी आज सीएम गहलोत के गढ़ में 4 रैलियां करेंगी। भीनमाल, गौरी, मन्ना, झावर और भोपालगढ़ में होगा वसुंधरा राजे की रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज राजस्थान में 4 रैलियां, 2 जनसभा जालौर और 2 रैलियां बाड़मेर में होंगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अलवर जाएंगे, तिजारा में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह ने अजमेर में राहुल गांधी को ओबीसी के मुद्दे पर घेरा, कहा पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी की सरकार ओबीसी विरोधी रही है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ वारदातों को लेकर प्रियंका गांधी को घेरा, पूछा क्या वो किसी पीड़िता के घर गई। चित्तौड़गढ़ की रैली में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, राजस्थान में उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं मिल रहा। प्रियंका गांधी पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार, अगर भारत में हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलूंगा। तेलंगाना विधानसभा के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र, गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद में शाम 6 बजे रिलीज करेंगे मैनिफेस्टो। तेलंगाना में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह, गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खेला विक्टिम कार्ड, कहा सीएम पद की कोई लालसा नहीं, इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूं। सीएम केजरीवाल का केंद्र पर आरोप, कहा मैं प्रचार ना कर सकूं इसलिए मुझे जेल में डालने की बनाई योजना। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा घर घर जाकर जनता से पूछे केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। पीएम मोदी ने एआई और डीप फेक डिजिटल युग को बताया खतरनाक, ये समाज में तेजी से फैला सकता है असंतोष। दिल्ली में दिवाली मिलन समारोह में पीएम मोदी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूकता जरूरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असली नकली के फर्क को खत्म कर देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में एयरोस्पेस और विमानन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 साल पूरे होने पर हो रहा है सम्मेलन। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच पहला एनकाउंटर कुलगाम में हुआ, लश्कर के 5 आतंकवादी ढेर हुए, राजौरी में 1 आतंकी मारा गया। रांची के मांडर थाना इलाके में उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़, घटना की जानकारी होने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश। राजस्थान में वोटिंग से पहले जयपुर के गणपति प्लाजा से फिर निकले वोट नोट, इनकम टैक्स विभाग को 7 लॉकर से मिले 95 लाख रुपए। इनकम टैक्स विभाग ने गणपति प्लाजा में मौजूद रोयरा सेफ्टी वॉलेट खुलवाया, निजी लॉकर से अब तक करीब 11 करोड़ कैश मिला। इनकम टैक्स ने अब तक करीब 11 किलो 315 ग्राम सोने के गहने बरामद किए, बाजार में सोने की कीमत 7 करोड़ 8 लाख आंकी गई। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग के दौरान चट्टान बनी मुसीबत, इंदौर से नई ऑगस मशीन आज पहुंचेगी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी टनल हादसे का 7वां दिन, टनल में फंसे 40 मजदूरों में से 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की खबर। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई, एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन खरना के साथ शुरू हुआ व्रतियों का निर्जला उपवास। 19 नवंबर को छठ पर दिल्ली में रहेगा ड्राई डे, दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने जारी किया आदेश। छठ की तैयारियों को लेकर एक्शन में सीएम योगी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पटना जंक्शन पर दिखी लोगों की भारी भीड़, छठ पूजा के लिए घरों को लौट रहे लोग। 23 नवंबर को मथुरा जाएंगे पीएम मोदी, ब्रजराज उत्सव में करेंगे शिरकत। केरल के पथानामथिट्टा में सबरीमाला में हरिवरासनम अनुष्ठान का आयोजन, कल की पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट बंद करने से पहले हुआ अनुष्ठान। वडोदरा में दिखा अद्भुत नजारा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के स्वामी महाराज के जन्म स्थल को 11,000 दियों से सजाया गया। अमेरिका में कांग्रेसनल हिंदू कॉक्स का उद्घाटन, पॉलिसी एडवाइजर शलभ कुमार का हुए शामिल, कहा हिंदू अमेरिकी समुदाय के लिए कानून बनाने में शामिल होगा कॉक्स। इसराइल हमास जंग का आज 42वां दिन, अब तक इजरायली हमले में गाजा पट्टी के 11,470 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली कैबिनेट अमेरिका की अपील पर गाजा में प्रतिदिन 2 ट्रक ईंधन लाने की इजाजत देने को तैयार, इसराइल के एनएसए ने दी जानकारी। इसराइल ने एक्टिव किया अपना एरो डिफेंस सिस्टम, दक्षिणी इसराइल से हमास के ठिकानों पर दागे मिसाइल्स। हमास के रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने भी दागे रॉकेट, गाजा के आसमान में छाया काला धुआं। इजरायली वायुसेना हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों पर लगातार कर रही है बमबारी, अब तक सैकड़ों टनल किए गए तबाह।
गाजा पट्टी से इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक जारी। टेल अवीव के आसमान में गूंजती रही इमरजेंसी सायरन की आवाज। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही कई रॉकेट को नाकाम किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की रेड में 5 फिलिस्तीनियों की मौत। 15 लोगों को इजरायली सेना ने किया गिरफ्तार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले टीम इंडिया ने अहमदाबाद में की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। विश्व कप फाइनल के लिए अंपायर का ऐलान। रिचर्ड केटल बोरा और रिचर्ड इलंगवर्थ होंगे मैदानी अंपायर की भूमिका में। वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा एयर शो। सूर्य किरण की टीम कर रही है रिहर्सल। विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड प्रदर्शन का मोहम्मद शमी को मिला तोहफा। सीएम योगी ने शमी के गांव में स्टेडियम बनाने के आदेश दिए।